जीरो से बूस्ट हुई है ऑटो, और इसके बाद आप यहाँ से ये यानी कि वेरिएबल भी कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी, तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी ड्रॉप कर रहा हूँ तो स्पीड ड्रॉप हो रही है और ज़ीरो पे जाके मोटर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ज़ीरो से गई है मोटर ऑफ होगी हुई, आप दोबारा बूस्ट करना शुरू करूँगा तो जब फुल पे चला गया हूँ मोटर बूस्ट हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है ना वो थ्री फेज का नहीं है, सिंगल फेज का सोर्स है, तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर 220 इन दे रहे हैं और आगे 440 ट्रांसफार्मर ये लिया हुआ है, यानी कि ये 220 इन है और 440 आउट है। अब यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल लाइन जो है 440 की इधर दे दी हुई है और आगे ये थ्री फेज का, यानी कि हमारे पास थ्री फेज सोर्स हो तो हमने डायरेक्ट तीनों फेज दे देने थे, और हमारे पास थ्री फेज सोर्स नहीं है इसलिए हमने ये सिंगल फेज से आगे 440 का ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। ये एसी आउट दे रहा था तो ये हमने दो फेज के ऊपर दे दी हुई है, उसके बाद ये आगे ब्रिज रेक्टिफायर थ्री फेज का, इसके बाद यहाँ से ये डीसी आउट जो जा रही है यहाँ पे जा रही है और ये एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद आगे मॉस्फेट है, ये एक फेज के हैं, ये दूसरे फेज के हैं, ये तीसरे फेज के, तीन एन चैनल हैं और तीन पी चैनल हैं। उसके बाद ये तीन मॉस्फेट ड्राइवर आईसी लगे हुए हैं, ये एक फेज के लिए है, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है वो 440 था और हमने यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं 220 इन है 6 वोल्ट आउट है, इन दोनों को हमने कर दिया हुआ सीरीज में, यानी कि ये 220 और 220 सीरीज में की हुई है, 440 इन हो जाती है और आउटपुट बन जाते हैं, दोनों आउटपुट भी इसकी सीरीज में की हुई है तो 12 वोल्ट आउट बन जाती है, यानी कि 440 इन और 12 वोल्ट आउट हो जाती है। अब ये 12 वोल्ट इस सर्किट को चलाने के लिए दिए हुए हैं, तो इस सर्किट में ये सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर है, फिर फिल्टर कैपेसिटर है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर है 7805, जो ये आईसी और ऑप्टो कपलर चल रहे हैं ये 5 वोल्ट पे चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई है वो इधर भी जा रही है, इधर भी एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, फिर फिल्टर कैपेसिटर है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर है 7805, इससे आगे 5 वोल्ट आर्डिनो को चले जाते हैं। और यहाँ पर हमने ये पोटेंशियोमीटर लगाई हुई है स्पीड अपडाउन करने के लिए, और ये थ्री फेज हाफ एचपी की मोटर लगी हुई है। अब यहाँ से मैं इसको प्लगइन करता हूँ, ये देखें अभी यहाँ स्पीड को अप करता हूँ, जैसे जैसे स्पीड अप करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और अगर इसी दौरान लाइट चली जाती है इसमें अभी, यानी कि ये जो स्पीड है ना जितनी मैक्सिमम पे चली गई हुई है, अब मैं इसको उतारता हूँ, ये मैंने उतार ली हुई है, और अब देखें जहां से इसकी स्पीड बूस्ट होना शुरू होगी, अभी अब फुल स्पीड हो गई है, यानी कि ये डिले हम कम अप डाउन कर सकते हैं जो इसका एल्गोरिथम लगा हुआ है उसके थ्रू। तो ये स्पीड बूस्ट होना शुरू हो गई हुई है, देखें अभी फुल स्पीड पे चला गया हुआ, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तब स्लो होती है और ऐसा ऐसा बूस्ट हो रही होती है।